सही बता रहा हूँ यार, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने। सीरियस यार, ये देखने से अच्छा मैं रामायण देख लिया होता। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। व्हाट्सअप गाइस, नमस्ते, सतरकाल, अस्सलाम वालेकुम, गेम शो क्या हाल, मैं रणधीर सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्ट ऑफ रणधीर पे। और इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ मर्जी वेब सीरीज जो कि वूट पे अवेलेबल है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना। इट्स द बिगिन। अच्छा, मर्जी से पहले वूट पे असुर आया था, वो वेब सीरीज को देखने के बाद ये लगा था कि वूट अब टक्कर दे रहा है अमेजोन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार को। बट क्या कर रहे हो यार, वूट इतना बेस्ट कंटेंट था, लोगों को आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा हाई था, बट आपने उसके बाद दिया मर्जी जो कि टोटली डिजास्टर। सिर्फ इतना बोलूंगा, इट वॉज ओके, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सही बता रहा हूँ, बिल्कुल ही बेकार लगा, स्पेशली नथिंग लाइक असुर। और इस वेब सीरीज को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि स्क्रिप्ट किसी बच्चे से लिखवाया हो। सीरियसली यार, इतना ज्यादा वीक। और पूरे वेब सीरीज का सिर्फ यही नेगेटिव पॉइंट है, अगर जरा सा भी स्क्रिप्ट टाइट होता, सही बता रहा हूँ, मजा आ जाता देखने को, बट स्क्रिप्ट एकदम ही बेकार था। सीरियसली यार, पूरा दिल लग गया ये वेब सीरीज को देखने में, और वेब सीरीज को देखने के बाद सिर्फ एक ही फीलिंग आ रही थी कि किसी ने काट लिया। सही बता रहा हूँ, इतना ज्यादा वाहियात, इतना ज्यादा बेकार लगा ये वेब सीरीज। अच्छा, अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी कुछ यू है कि लड़का लड़की पहले प्यार करते हैं, एक दूसरे को डेट करते हैं, और लास्ट में लड़की लड़के पे रेप का इंजाम लगा देती है। नहीं, वाह, इतना बेहतरीन स्टोरी। अच्छा, मुझे किसने सजेस्ट किया था देखने को, उसका नाम याद करने का, बहुत बड़ी मिस्टेक किया यार देख के। सही बता रहा हूँ, ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, सब मैं अपना भड़ास निकाल रहा हूँ और कुछ नहीं। अच्छा, अगर मैं प्लॉट की बात करूँ तो प्लॉट आपको एकदम टिट्टो सेम टू सेम, मतलब एकदम सेम लगेगा। एक वेब सीरीज आई थी कियारा आडवाणी का गिल्टी, एकदम सेम प्लॉट है बस। अच्छा, पूरे वेब सीरीज में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट लगा, वो है डायलॉग। पूरे वेब सीरीज में इतने भी अच्छे अच्छे डायलॉग नहीं है, ओके है, बट एक डायलॉग जो कि बहुत ही अच्छा है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। औरत का एक झूठ आदमी के हजार सच पे भारी पड़ता है, ये डायलॉग बहुत ही ब्रिलियंट, जिसे हम स्पीचलेस भी कह सकते हैं। ये डायलॉग को, सिर्फ ये डायलॉग को, इट वॉज कम्प्लीटली माइंड ब्लोइंग। अच्छा, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो पूरे वेब सीरीज में सिर्फ और सिर्फ राजीव सर का परफॉर्मेंस एक नंबर, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। हम ये भी कह सकते हैं कि वो अकेले पूरे वेब सीरीज को लेके चल रहे थे, इतना बेहतरीन उन्होंने, इतना ब्यूटीफुली उन्होंने परफॉर्म किया था, सिर्फ और सिर्फ राजीव सर बस। गाइस देखो, मैं सही बता रहा हूँ, डायरेक्शन, एक्टिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम ही कम्प्लीटली माइंड ब्लोइंग था। सिर्फ नेगेटिव पॉइंट और सिर्फ स्टोरी और स्क्रिप्ट की वजह से ये वेब सीरीज नहीं चला, और इतना ज्यादा मजा नहीं आया देखने में, और खास करके लास्ट का एपिसोड, क्या ही बताओ आप लोगों को। एक दो एपिसोड आप देखोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, बट लास्ट का एपिसोड पूरे वेब सीरीज को नीचे गिराता है, इतना ज्यादा बेकार है लास्ट का एपिसोड। सही बता रहा हूँ, डायरेक्शन, एक्टिंग, परफॉर्मेंस एक नंबर, बट स्क्रिप्ट एंड स्टोरी एकदम ही वाहियात। और गाइस, मैं लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करो, इस वेब सीरीज में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, हर एक पॉइंट पे आपको बोरिंग लगेगा, और लास्ट में कुछ रिजल्ट नहीं है, एक ही बात को, एक ही पॉइंट को बार बार घुमा रहे, सो बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगेगा, सो आप लोग ना ही देखो तो अच्छा है, बस दैट्स ऑल। और मैं वापस दोहराना चाहूंगा, इस वीडियो का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, मेरी दिल की बात थी, दैट्स ऑल। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर लगा है तो प्लीज यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार जाओ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो अपने भाई को, आप ही का चैनल है, अब भी जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और तब तक के लिए डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय।